पूरा गांधी जी के ऊपर है, ठीक है। और गांधी जी इतनी महान शख्सियत है, उनको हम एक क्लास में दो क्लास में तो कर नहीं सकते, ठीक है। काफ़ी सारे जिन अगर तुम गांधी जी के बारे में जानना चाहते हो तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, काफ़ी दिल चाहिए उनके उनके बारे में जानने के लिए। उन्होंने खुद से किताबें लिख रखी है गुलामी के समय पर, सोच लो। ये देख लो तुम्हारे पास, तुम बोलते भैया इतना टाइम है, काम है, इतना काम है, वो चलवाती झाड़ू लगाती है, करती हूँ वो करती हूँ, नहीं मिलता। गांधी जी जेल में पिट भी रहे हैं, अनशन भी कर रहे हैं, तब भी उन पर टाइम है किताब लिखने के लिए। क्रांतिकारी को इज्जत नहीं दे सकते तो उनको पिंच क्यों मार रहे हो, ऊपर बैठे हुए हो। कहने से क्या होगा, अरे मतलब जो नॉर्मल कैदी होते थे उनसे तो अलग ही रखेंगे ना, चोर चक्कों से। दो तरीके के लोग होते थे, एक होते थे नॉर्मल कैदी, एक होते थे राजनीतिक कैदी। राजनीतिक कैदी की हैसियत है ना बहुत बड़ी होती है, जो राजनीतिक कैदी होता है वो पर्स चोरी करके नहीं आता, क्या सुविधा उविधा कुछ नहीं मिलती थी, और अब किसी लिए पे लिटा के कोड़े मारते थे, सुविधा कोड़े भी मारते थे यार। तुम है ना पैदा हुए हो 2000 के बाद, तुमने कुछ करा नहीं है जिंदगी में, तुम्हें पता नहीं है कैसे कैसे आज़ादी मिली है, समझ आ रहा है। दिन भर इंस्टाग्राम चलाने वालों पंखे बैठ के, और कैसे आज़ादी मिली है तुम्हें क्या लग रहा है, अंग्रेज इतने सीधे थे कि नहीं भाई 50 साल बाद तो ये पैदा होने वाली है लड़की, कुछ 53 साल बाद तो आज़ादी दे देते, नहीं तो पैदा होगी खुशबू तो खुशबू तो आज़ादी में पैदा होनी चाहिए, है ना। सुनो भाई देखो, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, इधर देख लो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, महानायक रहे हैं, महानायक समझते हो, एक होता नायक और एक होता महानायक, ठीक है। तो देखो गांधी जी की जिंदगी है ना, हुए तो हिंदुस्तान में पैदा थे, मतलब गुलाम भारत में पैदा हुए थे, उनके पति शायद गुजरात के राजा के यहाँ दीवान थे, ठीक है, काम करते थे, पति बोल लो पापा तो क्या गांधी जी तो यहीं पैदा हुए हैं, अब गांधी जी को इंग्लैंड में पैदा करते हुए आप अच्छी पिता वही गलती होगी मेरे से, मैं कुछ सोचा, ठीक है। तो गांधी जी ने वकील की पढ़ाई करी लंदन से, बैरिस्टर बने, फिर डिग्री लेके यहाँ पे आ गए इंडिया में, है ना, इंडिया में आए। उनका ये कानूनी वाला पेशा ज़्यादा चल नहीं रहा था, क्यों नहीं चल रहा था, क्या ऐसे कैसे चलेगा, इतनी गरीबी है, बंदे जे कोर्ट तक जाने का टाइम ही नहीं मिलता, पहले ही मर जाते हैं। हिंदुस्तान में जनता कोर्ट तक पहुँचेगी भी कैसे, पैसा होना चाहिए ना वकील लगने के लिए। उस समय लोगों पे कपड़े पहनने के पैसे नहीं थे, एक लुंगी में उसका जीवन कटता था, शादी भी उसी लुंगी में होती थी, दहेज में भी लुंगी मिल जाती थी, लुंगी का सिस्टम था ना, देखा नहीं पुराने भारतीय को, सर पे पगड़ी और यहाँ पे लुंगी, उसके अलावा कुछ नहीं था, पगड़ी मतलब वो पगड़ी गमछा है ना, उसको पगड़ी पे कॉन्सेप्ट बुलाया, सर को भारी रखने के लिए, सर पे सर ढकने के लिए, समझ आया, जैसे औरतों के लिए घूमट होता था वैसे ब्राह्मण भी रखते थे, क्या दूर से बचने के लिए माना जाता है सर पे हमेशा कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, है ना, ये पूरी एनर्जी का केंद्र होता है। ठीक चालू है वीडियो बंद हो, चालू है, सुनो देखो, तो है ना क्या होता है, गांधी जी भारत में आते हैं, उनका ना ये वकीली का धंधा चल नहीं रहा होता, बेचारे की शादी भी होगी होती है भाई, अकेला बंदा हो तो कैसे बीड़ी सिगरेट से निकाल ले, कस्तूरबा नहीं, हाँ कस्तूरबा गांधी होती है, पुतली भाई तो उनकी मम्मी का नाम होता था, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, नाम उनका बन जाता है, बहुत सारे हैं, सुनो मेरी बात सुनो। तो गांधी जी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका काम चल ही रहा था तो वो बेचाहे मन से ना एक बंदे को हाँ कर देते, वो बंदा कौन होता है, अफ्रीका में एक कंपनी होती है, उसका नाम होता है दादा अब्दुल्ला कॉरपोरेशन, क्या नाम होता है, दादा अब्दुल्ला कॉरपोरेशन, नाम याद रखना दादा, ठीक है, दादा अब्दुल्ला, ठीक है, कॉरपोरेशन सीईओ कंपनी है, ठीक है, ये अफ्रीकन होते हैं, अफ्रीका में होते हैं मुस्लिम होते हैं, ठीक है, तो ये दो भाई होते हैं, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी बता रहा हूँ, ये दो भाई होते हैं, दो भाइयों की बहुत बड़ी कंपनी होती है, इनके यहाँ भी बहू का लफड़ा हो गया होगा, एक की शादी हुई होगी, फिर घर में वो बर्तन फेंका भागी हो रही होगी, तो फिर दोनों भाइयों में लफड़ा हो गया, तो कंपनी का बंटवारा होना था, तो जो अब एक दूसरा भाई था ना अब्दुल्ला बड़ा वाला, उसने गांधी जी को हायर करा कि मेरे को एक वकील की जरूरत है। गांधी जी चाहते तो नहीं थे, लेकिन यार पैसे की माया, कहीं धूप में छाया, जाना पड़ गया गांधी जी को, कहाँ पे,
अफ्रीका इनके साथ। फिर गांधी जी ने इनके साथ काम किया उस समय। केस वेस दो दिन का थोड़ी होता है, केस चलते हैं महीने महीने, साल साल, पांच साल, दस साल, ऐसा होता है ना। तो गांधी जी का भी कई महीने तक केस, गांधी जी ने इनका केस कुछ महीने तक चला, लड़ाया और इनकी प्रॉपर्टी बंटवा दी, मतलब अब्दुल्ला से पैसे भी ले लिए। अब गांधी जी अफ्रीका में, ठीक है क्या जिंदा, मेरी तकलीफ में नहीं लाओ ना, सुनो। तो गांधी जी अभी कहा है, अब अफ्रीका, लंदन से भारत, भारत से फिर अफ्रीका, अफ्रीका। गांधी जी को देख लो कैसी जिंदगी है, ठीक है। और गांधी जी को चुनते क्यों है पता है क्या? पैसे क्या थे? उनके पास इतने थे तभी तो लंदन में पढ़ाई करी है उन्होंने। आज तुम कर लो, तुम तो सुल्तानपुर से बाहर नहीं कर सकते पढ़ाई, सोचने की बात है कि नहीं है। वो बंदे उस समय पे जब देश गुलाम था तब गए थे लंदन पढ़ने, तो कुछ तो होगा पैसा। तुम तो आज नहीं जा सकते बगल वाले ए प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, तो गांधी जी के गए थे ना पैसे वाले। मैंने गलती बोला तुम आज भी नहीं जा सकते, मैंने गलती बोली नहीं। हाँ गलती तुम्हारी अभी भी है, जा सकते हो कमाओ अभी से, अभी से। इंडिया की यही तो गलती है, इंडिया में लोग गलती है, 30-30 साल के 40-40 के सांड बच्चे हैं अभी भी, माँ बाप उनको पाल ले। दूसरे देशों में देखो ना 16-12 साल से बच्चे हैं ना, एलन मस्क ने 12-13 साल की उम्र में ऐप बना दिया था, भारत पूरी दुनिया का है ना टेक्नोलॉजी का मालिक है एलन मस्क, खुद की एजेंसी है स्पेसएक्स, समझती है। इंडिया का जो इसरो है ना रॉकेट भेजने वाला, वो एक लौंडा अकेला है, उसके पास पूरी एजेंसी है, वो अकेली पूरी की पूरी। ट्विटर का मालिक वो है, फेसबुक उन्हें खरीद लिया, व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ उन्हें जोड़ लिया, एलन मस्क बीबी से तलाक भी हो गया उसका, और 1.5 साड़ी निकली पैसा ले लिया उसका। ये सही सिस्टम है यार, गांधी जी के टाइम पे ऐसा नहीं था, नहीं गांधी जी को भी बहुत परेशान करती हुई वैसे संस्कारी औरतों का समय था ना। सुनो भाई, और गांधी जी पता है गांधी जी को क्यों ये अब्दुल्ला ने हायर करा? क्योंकि क्या था कि मामला चल रहा था अफ्रीका में, और मामले में गुजरात, गुजराती भाषा की भी जरूरत थी और इंग्लिश भी, और गांधी जी अकेले ऐसे मिले जिनको गुजराती और इंग्लिश आती थी। चीमन थापड़ा और ढोकला भी आता था गांधी जी को, ठीक है। थापड़ा गुजरात में ही उनके पापा काम करते थे गांधी जी, समझ आ रहा है। पोरबंदर में तो पैदा हुए थे गांधी जी, सुना नहीं ऐसे नहीं था सुनने गांधी जी के ऊपर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था, बचपन में यार कितना लिखा है ऐसे करा गया। सुनो भाई, अफ्रीकन, हाँ ठीक है, नहीं इंग्लिश 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 अफ्रीका में एक यार मैं इस तरफ देखो, इधर देखो, जो अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, ये पता नहीं कौन सी आकृति का है, आकृति का है, इसमें कई सारे देश हैं, मिस्र है जिसे इजिप्ट बोलते हैं, जॉर्डन है, पता नहीं कितने सारे देश हैं, ठीक है इसके अंदर। अब इसमें एक भाषा नहीं, कई सारी भाषा है, ठीक है। और उस समय इस पर कब्जा किसका था? अंग्रेजों का, अधिकतर देश में अंग्रेजों का, तो इंग्लिश ही तो चलेगी, समझ आ रहा है? नहीं, सुनो, तो क्या हुआ, June 7, 1893 में, अब क्या होता है कि गांधी जी अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन अफ्रीका में रहते रहते ना यही क्या होता है उनकी जिंदगी में मोड़ आता है। अगर गांधी जी अफ्रीका नहीं गए होते तो इतने महान नहीं होते, कैसे कि 1893 की बात होती है, यहाँ पे पीटर्सबर्ग पड़ता है, पीटर्सबर्ग इस एरिया में पड़ता है, ठीक है, एक स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम। गांधी जी ना टिकट लेके चढ़े हुए होते हैं फर्स्ट क्लास की, जहाँ पे गोरे बंदे बैठते हैं, ठीक, जहाँ पे गोरे लोग बैठते हैं गांधी जी वहाँ बैठे हुए होते हैं, गांधी ने टिकट ले रखी होती है। गांधी जी को नहीं पता होता कि यहाँ पे रूल अलग है, ठीक है। अब गांधी जी को आता है गोरा, बोलता है कि यू ब्राउन गाय उतर जाओ यहाँ से जल्दी से, ठीक है, ब्राउन गाय, ब्राउन कुत्ते, ब्राउन मुद्दे, गाय बैल सुअर, गाय का मतलब इंसान, गाय, हेलो गाय, हेलो गाइस, सुना नहीं कभी? हां सुना है, मतलब इतनी हिंदी इंग्लिश समझ नहीं पड़ती है, मेरा कपार खोल लो अपना मन करता है। गाय तो जानते हो ना, हां भैया बोलते हैं ये गाय समझेगी, हां अम्मा। सुनो, तो गांधी जी क्या कर, गांधी जी को क्या करता है वो बंदा फेंक देता है स्टेशन से। गांधी जी इंग्लिश में बात करते हैं, बोलता है चल इंग्लिश कालते उतर यहां से, गांधी जी को फेंक देते हैं। और उस स्टेशन का नाम तो सेंट पीटर्सबर्ग, बहुत बड़ा नाम है उसका, इतनी बड़ी स्पेलिंग है, देखो यहाँ से यहाँ तक लिखी है मैंने, इसीलिए मैं इसमें नहीं लिख रहा गलत हो जाए, ठीक है। आज भी उस स्टेशन पे गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, अरे गांधी जी ने इतना कांड कर दिया, गांधी जी की मूर्ति नहीं बनेगी, ठीक। गांधी जी भारत में आने से पहले अफ्रीका में उन्होंने भूचाल मचाया था,
और यही दिन था जब गांधी जी को पता लगा क्या गांधी जी ने पढ़ाई कहाँ से करी थी तुम बता सारी चीजें सोचो सोचने की कोशिश करो लंदन में अरे यार यार कलेश है जिंदगी में खर्चा गलत टाइम पर बोला रही हो विधि बताना पड़ेगा गांधी जी ने लंदन में पढ़ाई करी है ना लंदन में उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स संविधान मौलिक अधिकार पर्यावरण बचाओ लोगों के कितने अधिकार है कुत्ते बिल्ली के क्या अधिकार है और यहाँ अफ्रीका में तो उल्टा ही चल रही है गंगा अफ्रीका में इंसानों को कुत्तों की तरह रख रहे हैं काले घोरे का भेद कर रहे हैं गांधी जी ने बोला यार तुम पढ़ा कुछ हो रहे हो लंदन में मौलिक अधिकार फलाना अधिकार ये करो वो करो और तुम यहाँ पे देखो दूसरों के साथ कितना भेदभाव करें गांधी जी को समझ आ गया अंग्रेज जितने सीधे दिखते हैं उतने सीधे हैं नहीं गांधी जी को वहां से पता लगा क्या यहाँ पे अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा अंग्रेज जितने सीधे उतने दिखते हैं उतने है नहीं है गोरे जो अपने टाई बैंड लगा के आते ना यहाँ पे नेक पे वो टाई लगा के आते हैं साले वेटर बहुत आरामी है ठीक सुनो तो गांधी जी ना वहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं ठीक है अब इनके इनके ऊपर लोगों की नज़र पड़ जाती है सरकार की नज़र जैसे कोई कुछ काम करेगा जनता के लिए तो सरकार की नज़र पड़ेगी ना ये कौन है ये रोड रोड के लिए चिल्ला रहे हैं इसके ऊपर रोड बनाएंगे ठीक है अब जैसे मैं यहाँ का विधायक हूँ और मैंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रखा अब कल को खुशबू आए यहाँ के लोगों के लिए चिल्लाए रोड यहीं बनाएंगे भैया पे गाड़ी चढ़ाएंगे ठीक है तो जनता खुशबू अरे यार तो महक बोलेगी यही ना तो महक के साथ लोग नहीं हो जाएंगे तो मेरे को गुस्सा आएगा कि साली साला मतलब वोट काट रहे ठीक है यार लिंक बदल हो गया गलती से सुनो मतलब या तो वोट कट रहे ठीक है वोट कटने का मतलब समझ रहे हो मतलब सपोर्ट जा रहा है इधर उधर तो दिक्कत की बात है नहीं है ना तो मैं क्या करूँगा इसको कब्जे में लेने की कोशिश करूँगा रोड बना दूंगा हाँ मतलब पैसा खर्च करूँगा मैं इसको ग्रैब करूँगा ठीक है और क्या सबसे आसान काम तो ये है कि 20 करोड़ रुपए से रोड बनाऊंगा 15,000 किस में ना दो चाकू मारे खत्म कर ली है कि नहीं जनता किसी के सपोर्ट में नहीं होती जनता रोटी की तलाश में जनता इतनी सपोर्ट में होती ना तो आज राहुल गांधी के पीछे होती महंगाई के चक्कर में जनता के पता है महंगाई ऐसा कुछ तभी तो अपने घर में जनता कुछ कर रही है क्या तब अंग्रेजों के टाइम पे करती जब अंग्रेज थी ठीक तो क्या होता है कि वहां पे ना एक कानून होता है अभी मैं अफ्रीका की बात बता रहा हूँ अफ्रीका में एक कानून होता है कौन सा कानून होता है क्या नाम होता है इसका अफ्रीका में ना अंग्रेज ने कानून लाए होते हैं जिसके तहत क्या कर रहे होते हैं वोटिंग राइट सीज होते हैं किससे वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है चुनाव पहले क्या कर सकते थे भारतीय भी है ना चुनाव में वोट डाल सकते थे काले लोग भी अफ्रीका में भी काले लोग हैं और भारत के भी ब्राउन लोग हैं उनको भी काले ही कहते हैं वो अंग्रेज ठीक है समझ आ रहा है तो उनको वोट देने का अधिकार था लेकिन है ना वोट देने का अधिकार छीन रहे थे अंग्रेज लोग तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी क्या करा आंदोलन चालू कर दिया लेकिन कुछ बात बन रही है अंग्रेजों को क्या फर्क यार अंग्रेजों की पावर पूरी दुनिया में अंग्रेजों को एक बंदे से क्या फर्क उस समय और गांधी जी अभी नवजात शिशु थे अभी तो रोना चालू करा था गांधी जी ने अभी पहले लात पड़ी थी सेंट पीटर्सबर्ग पे गिराए गए थे टिकट के चक्कर में क्लास एसी के डब्बे से फीते गए थे तो सोचो क्या हालात होंगे ठीक तो गांधी जी ने वोटिंग के लिए क्या करा आवाज उठाई तो पहले क्या करा 400 ना गांधी जी ने सोचा कि गांधी जी क्या सोच रहे थे कि अंग्रेजों ने जो मेरे को पढ़ाई लिखाई करवाई है लंदन में तो अलग ही माहौल चल रहा है लोगों के अधिकार है सब कुछ है तो गांधी जी ने दिमाग लगाया गांधी जी नेचर में शांत क्यों रहते थे इसीलिए रहते थे गांधी जी ने 400 बंदों से सिग्नेचर कराया उस पर लिखवाया कि हमें भी वोटिंग के राइट चाहिए हमारे राइट बचे और ले जाके पर्चियाँ जमा कर दी वहाँ पे जो DM SDM था जिसके पास मतलब अधिकारी के पास उन्होंने सोचा कुछ होगा उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया उनकी पर्ची कचरे में डाल दी ठीक है फिर गांधी जी ने सोचा 400 से काम लिया गांधी जी ने 10,000 लोगों से सिग्नेचर करवाया 10,000 लोगों से थोड़ा प्रभाव पड़ा लेकिन तब भी इन्होंने क्या बोला कि हम देखेंगे पर्ची द्वारा देख समझ आ रहा है गांधी जी को समझ आ गया साले है कुछ और बात कुछ और कर रहे हैं है ना वहाँ पढ़ा रहे हैं मौलिक अधिकार वहाँ पढ़ा रहे हैं स्त्रियों को पढ़ाई करवाओ वहाँ लंदन में बता रहे हैं कि हर नागरिक बराबर है लोगों का विकास करो यहाँ जो काले उनको नौकर बना के रखा है गुलाम बना के रखा है ये क्या बात हुई
कथनी और कर्मी में अंतर है ना, तो गांधी जी को समझ आया तो कुछ ही करना पड़ेगा। तो गांधी जी स्थापना करते हैं नटाल कांग्रेस की। एक ग्रुप होता है उसका नाम होता है नटाल, ऐसे करके मतलब ग्रुप बना देते, तुम 5-10 बंदे हो, मैं गांधी हूँ, मैंने बोला चलो एक ग्रुप बनाते हैं, हम आपस में बैठ के क्या करेंगे, आंदोलन करा करेंगे, मतलब आपस में एक दूसरे के लिए भी मतलब सरकार निकला, छोटी मोटी योजनाएं बनाया करेंगे, एक दूसरे की मदद करा करेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक। आगे क्या हुआ कि गांधी जी ने ना लोगों का, गांधी जी पे एक दिमाग था, इंडिया में भी जब चंपारण में गांधी जी आए थे डायरेक्ट आते ही क्या गांधी जी अंग्रेजों से लड़ने गए थे? नहीं, क्या मैंने बताया था ना, गांधी जी ने पहले किसानों के पास गए, उनसे लिस्ट बनाई, पूछा क्या क्या दिक्कतें हैं, लोगों के सपोर्ट लिया, तब काम किया ना। गांधी जी ने ये दिमाग अफ्रीका में पहले ही लगा लिया था। गांधी जी इंडिया में आते एकदम थोड़ी सितारे की तरह चमकने लगे थे, गांधी जी ने पहले ही मेहनत कर ली थी, पहले ही बॉडी बना ली थी अफ्रीका में, इंडिया में आके तो बस सट उतार के दिखाने लगा। समझ आ रहा है? ठीक। गांधी जी ने यहाँ पे क्या काम करा कि लोगों को भी तो लगना चाहिए गांधी भाई काम का है, तो गांधी जी ने क्या करा, एक और काम करा उन्होंने ना नटाल, अब तुम्हें पता लगे गांधी जी क्या करते हैं, नटाल एम्बुलेंस नाम से एक योजना चालू करी। हाँ, ये क्या करते थे पता है, क्योंकि गरीब लोगों के पास कुछ नहीं होती थी सुविधा, तो इन्होंने काम करा, जो भी गरीब बंदे हैं ना, जो ब्लैक है, क्योंकि व्हाइटों की तो हॉस्पिटल में पहले से जगह है, तो इनके लिए एम्बुलेंस बनाई, लेकिन गांधी जी इसमें गोरों को भी लेके जाते थे, कभी किसी को जरूरत पड़ जाती थी, तो ये इनकी संस्था चलाती थी। समझ आ रहा है? अब सोचो गांधी जी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा होगा पैसा, सारा दिमाग लगाना चाहिए तुम्हें, ये रटने वाला काम मत करो यहाँ बैठ के, मैं इसीलिए इतना बता रहा हूँ कि रटना ना पड़े। सोचो गांधी जी पैसा कहाँ से आ रहे हैं, अब तो अब्दुल्ला चला गया ना, उसका केस खत्म, अब्दुल्ला के बीवी लग रहे गांधी जी की हर महीने 50,000 भेजने में, भारत के लोग पैसा भेज रहे गांधी जी, पता लग गया उनको कि एक बंदा है उसने ना क्या बोलते हैं अभी आगे बताऊंगा, ये जो नियम नहीं था वोटिंग राइट वाला, उसके लिए 10,000 लोगों के सीने से करा के एजेंट के सामने चला गया, इतनी हिम्मत, तो सबको पता तो लगेगा ना कि ऐसा एक बंदा है भाई, इतना सारा काम कर रहा है, जबकि अंग्रेज मान नहीं रहे तब भी कर रहा है, थक नहीं रहा है, डर नहीं रहा है बिल्कुल भी, लोगों को पता लगा। तो हमारे इंडिया से रतन जी टाटा है ना, इनके पापा, हैदराबाद का जो निजाम है ना, निजाम का पापा, निजाम है ना हैदराबाद का, सुना है ना पहले चैप्टर में, वो मिलना नहीं चाहता था भारत में, फिर सरदार पटेल ने वो ऑपरेशन पोलो चलाया था, उसके पापा, वो सारे बंदे इंडिया से पैसा भेज रहे गांधी जी उस समय, वही तो हो मजबूती के लिए, वो भी तो परेशान है ना इंडिया में, तो देख रहे हैं कि लौंडा है इंडिया का, ये काम कर रहा है, इनको वहाँ पैसा भेजो, वहाँ पे अंग्रेजों की नाक पे दम करेगा ढंग से, फिर इधर आएगा, फिर हम यहाँ पे करवाएंगे। समझ आ रहा है? अरे यार हमारे दुश्मन की कोई उंगली करेगा तो हमें तो मजा आएगा ना, सारे ले 10 रुपये और ले, है कि नहीं है? है ना, मतलब थोड़ा तो शांति मिलेगी, हाँ अब जाके थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? ठीक। तो इन्होंने एम्बुलेंस भी चलाई। अब क्या करा गांधी जी को, देखो एक और चीज़ थी, मैंने कल भी बताया था कि इंडियंस जो थे ना लोग बाहर के, उनको है ना एक सर्टिफिकेट टाइप रखना पड़ता था अपने पास, याद है क्या था, कि जो बाहर के लोग थे जैसे इंडियंस थे ना, अफ्रीका में किसका कब्जा था, अंग्रेजों का, जितने भी गोरे लोग थे उनको कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं रखना, लेकिन जितने भी इंडियंस है ना और जितने भी ब्राउन और ब्लैक लोग हैं सबको एक आधार कार्ड की टाइप मतलब पहचान पत्र की तरह कुछ रखना पड़ेगा, इतना बड़ा सर्टिफिकेट होता था, उसको कोई भी नहीं बोलते थे, क्या नाम कुछ नहीं था, रजिस्ट्रेशन बिल था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, मतलब क्या था कि जितने भी भारतीय है ना या जितने भी ब्राउन लोग हैं वो सब क्या करेंगे, कितना बड़ा पर्चा लेके घूमेंगे, जो यहाँ की हमें गोरों की सरकार ने दिया होगा, ठीक है, और वो नहीं है तो बहुत मार खाओगे, रखना ही पड़ेगा तुम्हें, मतलब तुम कहीं पे भी मिलो, तुम्हें अगर पुलिस ने बोला दिखाओ तो दिखाना पड़ेगा, और लेके घूमो, ये मतलब कंपलसरी था, जैसे गाड़ी पे चलते हुए लाइसेंस ही होता है ना, जो चलान कटता है जेल में डाल देते थे जिनके पास ये नहीं होता था, और गोरे बंदे कैसे भी घूमे, नंगे घूमे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब भारतीयों को इतना परेशान कर रखा था, मतलब जिनने ब्राउन थे लोग उनको, तो गांधी जी ने बोला आप लोग अपने संविधान में तुमने बता रखा है कि सब लोग बराबर है, तुम वहाँ पे गाते हो लंदन में कि सबको बराबर होना चाहिए, सब इंसान एक बराबर है, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तुम या तो गोरों से भी ये सर्टिफिकेट रखवाओ या तो हम भी नहीं रखेंगे, वो बोलते चलो हम देखेंगे, क्योंकि गांधी जी का सपोर्ट बढ़ गया था ना, डायरेक्ट मना नहीं कर सकते थे, तो क्या करते हैं बोलते हम देखेंगे, ठीक है, तो गांधी जी सोचते चलो देखेंगे तो समय लगता है, तो उसके चक्कर में गांधी जी वेट करते, लेकिन पता लगता है ये साले कुछ सुन ही नहीं रहे, टाइम बीता जा रहा है कुछ कर ही नहीं,
तब गांधी जी एक दिन क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन बिल, वो पता है सरकार क्या होती है, आप रजिस्ट्रेशन बिल बनवा लें एक बार, गांधी जी बनवा नहीं रहते, बोलते अगर आप बिल बनवा लेंगे ना तो हम इसे आगे जाके कैंसिल करवा देंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने बनवाए नहीं तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, अगर आप बनवा लेते हैं तो हम आगे अर्जी डालेंगे कैंसिल के लिए, तो गांधी जी बनवा लेते हैं, उनके साथ के लोग बनवा लेते हैं, लेकिन जब पता लगता है ना इन्होंने पोपट बनाया, अंग्रेज तो दोगले है ही, ठीक है, तो इन्होंने पोपट बनाया, तो गांधी जी गुस्से में क्या करते हैं, उनके ऑफिस के आगे बिल ले जाते हैं और ऐसे करके कच्चे उसके आग जलाते उसमें डाल देते हैं, सरकार पुलिस वाले देखते हैं, और वो तो उनका आधिकारिक था ना, गवर्नमेंट ने दिया था ना वो ऑर्डर, तो ये क्या हो जाता है, पहली बार गांधी जी बातों से नहीं कर रहे थे, उन्होंने कानून तोड़ा था कोई अंग्रेजों को, यार इस ये जो 400 बंदों ले जाना, 10,000 बंदों का सिग्नेचर करवा के ले जाना, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन गांधी जी ने भारत उनकी इंग्लैंड की सरकार का एक सरकारी पत्र जला दिया, सरकारी ऑर्डर, तो ये उनके कानून का तोड़ने का पाप हो गया एक तरीके से, तो उन्होंने तुरंत गांधी जी को पकड़ लिया, और जितने लोग थे उन्होंने भी जला दिया गांधी जी के साथ में आगे, ये सूखी हड्डी सा बंदा जला रहे तो हम नहीं जलाएंगे, चलो हाँ, तो सब बंदा कई सारे बंदों ने जला दिया, और फिर कई सारे बंदों ने जला दिया तो सबको जेल में डाल दिया, ठीक है, और गांधी जी ने उससे पहले एक चीज बना दी थी जिसको बोला जाता है काम क्या, एक फॉर्म का नाम है फिनिक्स फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनिक्स फॉर्म नहीं, टॉल्स्टॉय फॉर्म, सॉरी टॉल्स्टॉय, हाँ अरे इंडियन अफ्रीकन सब होते थे, जो बंदे सोचे थे वही तो ज्वाइन होंगे, जिन बंदों का पेट में खाना है वो थोड़ी सरकार के खिलाफ कुछ बोले, जो भूखा है वही तो रोएगा, ठीक है, सुनो सुनो, तो एक फॉर्म बनाता है टॉल्स्टॉय, क्यों, क्योंकि अब तो सारे मर्द को तो पकड़ लिया, औरत और बच्चे भूखे मरेंगे क्या, तो इसलिए पहले से गांधी जी ने जैसे इंडिया में साबरमती आश्रम बनाया, सुना साबरमती के संत तुमने कर दिया कमल गाना सुना, ये भी नहीं सुना यार, कैसे बच्चे हो, अंग्रेजों को नहीं रखना, अरे कैसे गोरे नहीं, मतलब तुम हो तो इंडियंस ना, कितने भी गोरे हो गए ऐसे कलर देखते नहीं, कहीं तुम कसौरिया में होती तो बच्चा भी रहता, गोरे अलग होते हैं, जो ब्राउन है जो ब्लैक है वो सारे नीचे ए बी ग्रेड के लोग हैं, ए ग्रेड के केवल कौन है, गोरे लोग, अंग्रेज, और अंग्रेजों अंग्रेज सबको क्या बोलते थे, हम आए हैं भगवान की तरफ से, हम सबको सभ्य बनाने आए हैं, तुम गाले तुम्हारा पक्का अच्छा नहीं था, तब हम लोगों ने वेद पुराण लिख दिए थे, और क्या अंग्रेजों के भगवान के लिए पहले पैदा हुए जीजस से 2000 साल पहले, 4,500 पहले की तो हड़प्पा सभ्यता है, कैसी बात करते हैं नहीं, कई सारे धर्म है, पारसी है, यहूदी है, पारसी धर्म जानते हो, जो नौरोज त्यौहार मनाते हैं, सुना है, पारसी पारसी लोग होते हैं, यहूदी होते हैं, अरे इतने सारे धर्म है यार, बहुत धर्म है, तुमने तो नाम नहीं सुने होंगे, इतने धर्म है, ईसाई वाले ज्यादा है, क्योंकि क्या हुआ था, अंग्रेजों ने कब्जा किया, अंग्रेजों का ईसाई धर्म, तो उन्होंने फैला दिया पूरे में ईसाई, समझ आ रहा है, अब मैं ईसाई हूँ तुम्हें क्या, कभी ना कभी तुम मेरे साथ 1 साल 2 साल 4 साल तुम्हें बैग को बना बना के तुम्हारे कान में भर भर के तुम्हें ईसाई बनाई, समझ आ रहा है, अंग्रेजों के तो तब भी गुलाम थे सब, ठीक, सुनो, तो गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करी तभी, ठीक है, ये 1910 में बना था, ठीक है, अब अगले ही साल क्या हुआ, टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय, हाँ नाम है इसका, क्या कर सकते हैं, वैसा नाम है तो, ठीक है, किसलिए बनाया था, इसलिए बनाया था, जो पैसा वैसा आ रहा था ना इंडिया से, वो कहाँ लग रहा था, यही तो लग रहा था, अब गांधी वगैरह जेल में रहते थे गांधी जी वगैरह, तो उनकी बीवी बच्चों को कौन खिलाया, ये पैसा आ रहा है यही लगता है, ये फार्म चल रहे थे, फार्म का मतलब ग्रुप बने हुए थे अलग अलग, अब अफ्रीका में भी लोग जागरूक हो रहे थे धीरे धीरे, टॉल्स्टॉय से पैसा नहीं आता, टॉल्स्टॉय को पैसा दिया जा रहा था, ये फार्म थे, संगठन थे, समझ आ रहे, जैसे तुम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो, हाँ हाँ सब क्रांतिकारियों के लिए, मतलब जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उन्हीं के लिए तो यूज होगा, ठीक है, सुनो, अब क्या हुआ, 1911-12 में जॉर्ज पंचम आते हैं, सुना है ना, क्वीन मैरी के साथ, किंग जॉर्ज 5 आते हैं, ठीक है, क्वीन मैरी के साथ, और क्या होता है, उसी समय है ना, सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, जॉर्ज पंचम आते हैं तो है ना, अंग्रेज चाहते हैं कि 1911-12 के समय आए थे, अक्टूबर अक्टूबर के मेरे को महीना नहीं याद किस समय आए थे,
उस समय क्या चल रहा होता है, आज जितने भी अंग्रेज हो रहे होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे राजा की क्या हो रही है, ताजपोशी हो रही होती है। तो जॉर्ज पंचम है ना, उसका राज्य अभिषेक हो रहा होता है। तो अंग्रेज चाहते हैं कि राजा का जब राज्य अभिषेक हो रहा है ना, तो कहीं पे ना कुछ लड़ाई झगड़ा ना, तो गांधी जी वगैरह को ये बेवकूफ बनाते हैं कि हम तुम्हारी सारी बात मान लेंगे, ठीक है, तुम शांत रहो। तो जब जॉर्ज पंचम का ऐसे ही अभिषेक हो जाता है, गांधी जी शांत रहते हैं लेकिन फिर कुछ नहीं करते। तब गांधी जी लास्ट में क्या करते हैं, 1914 के टाइम में आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं अब तो हम मानेंगे नहीं तुम्हारे। फिर अंत में क्या करते हैं, यही लोग अंग्रेज लोग ये जो रिलीज वो वाला बिल होता है बिल जो रखने वाला, वो कैंसिल कर देते। और तीन चार चीजें और थी, पता है क्या था, जैसे तुम इंडियन हो ना, तुम जाते हो, तुम्हारी शादी अफ्रीका में हुई या तुम ऐसे गए हो शादी करके वहाँ, तो अगर तुमने अंग्रेजों के रीति रिवाज से शादी नहीं करी ना, तो तुम्हारे बच्चे गैर कानूनी मानेंगे, हो तुम्हारे बच्चों को कभी भी उठा के ले जाएंगे। तो ये तो हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप के टाइप था। मतलब औरतें सुनती थी, अच्छा मैं क्या मेरे ऊपर तू आरोप लगा रहा है, मैं ऐसी वैसी औरत हूँ, या मतलब कि तुम बोले नाजायज बच्चा है तो मैं भी नाजायज हूँ, तो गुस्सा तो होंगे ना, तो इसलिए और ज्यादा भड़क गए थे लोग। ये भी कानून था, तो इस कानून को भी बाद में वापस लिए कि मतलब उनके धर्म से हम शादी करें। हाँ, मतलब पहले जबरदस्ती था, अगर तुमने अंग्रेजों के धर्म से शादी नहीं करी ना, मतलब उनके अनुसार, मतलब वहाँ पे वो खड़े होंगे फादर, फिर तुम पप्पी करोगे, मतलब वो गुलदस्ता दोगे एक दूसरे को। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के बंदे मानते खाते, उनको तो जब तक लड़की साथ लेने ना ले ले मजा ही नहीं आता, जब तक तीर बहाते में लड़ाई ना आ जाए मजा नहीं आता, ठीक है, पनीर डरीर के पीछे फूफा नाराज ना हो जाए तब तक मजा ही नहीं आता। तो अंग्रेज है ना अलाउड ही नहीं करते, लेकिन हमारे बंदे मानते ही नहीं थे, हमारे बंदे मतलब कुछ तो कर लेते हुए और बाकी नहीं करते थे, इसलिए आंदोलन हैवी लेवल पे थे। मतलब बच्चे को नजायज बोल लो, बच्चा कभी भी उठा लेगा यार तुम, ठीक है, इसलिए है ना अंग्रेजों से तो बहुत ज्यादा नफरत होगी थी लोगों, और आंदोलन बड़े लेवल पे हो रहा था। 1914 में लास्ट में इन्होंने सारे बिल क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। फिर गांधी जी ने चैन की सांस ली, और गांधी जी ने बोला अब मेरे यहाँ का काम होता है संपन्न, अब अपन चलते हैं अपने देश। वो ना जाता है ना वहां से, आ जाओ यार बहुत पैसा भेजा है यहाँ कुछ काम कर दो, समझ आ रहा है। अब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लाइट नहीं होती उस समय, 1914 अरे 1914 में गांधी जी सीरियस हो जाते हैं, और 1914 में ये सारे बिल वापस ले लिए जाते हैं, अंग्रेज मान जाते हैं बात अफ्रीका में, समझ आया। अब गांधी जी अफ्रीका से कहाँ गए, सुनो ट्रेन से आए थे, क्या ट्रेन से नहीं आए थे, जहाज से आए थे, अफ्रीका से ट्रेन आएगा क्या इंडिया में, अफ्रीका से ट्रेन आ सकता है लेकिन बदल बदल के आएगा, भारत में ओ मेरे को कुछ बदलाव करना है, ऐसे नहीं होता। गांधी जी भारत में आने के बाद क्या करते हैं, पहले बोलते पहले मैं चीजों को देखूंगा और पहले मैं समझूंगा, समझ आया। उनके गुरु होते हैं, क्या नाम होता है उनका, गोपाल कृष्ण गोखले, वो गांधी जी को क्या देते हैं सलाह कि इंडिया में है ना अभी राजनीति बड़े उत्थान मार रही है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरह के क्रांतिकारी, पहले तुम क्या करो भारत को समझो। तो गांधी जी पूरा एक साल ट्रेन में बैठ के पूरे भारत को देखते हैं, मतलब लगभग एक साल भारत में घूमते, अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, कहाँ किसानों के अलग क्या है, कहाँ के लोगों की अलग क्या है, पूरे भारत को देखते, तब समझ आता है गांधी जी को कि अंग्रेजों ने तो पूरी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लूट रखा है पूरे भारत को, समझ आया। गांधी जी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं क्या करना चाहिए, और पहला गांधी जी का असाइनमेंट कौन सा होता है, पहला ऑर्डर कौन सा लेते हैं गांधी जी, चंपारण वाला है ना, चंपारण वाला कब करते हैं, राजकुमार शुक्ला जी आते हैं गांधी को फोन करते हैं, गांधी भाई गांधी जी गांधी जी हमारे गाँव में बहुत दिक्कत बा, राजकुमार शुक्ला क्या सुनो, तो क्या होता है चंपारण होता है, चंपारण होता है बिहार में, चंपारण ठीक है मोतिहारी के बगल में, चंपारण बिहार में ही तो पता होगा, छपरा वालों पता है ना, ठीक है पटना वालों, ठीक है। तो 1917 में ये वाला काम होता है, ठीक, कौन सा, चंपारण वाला। चंपारण में क्या होता है कि अंग्रेज है ना इंडिगो उगवा रहे होते हैं, क्या
इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील। नील उगाने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर आपने एक बार नील उगा ली तो एक डेढ़ साल के लिए जमीन पे दोबारा से नील कुछ उगा ही नहीं सकता, क्योंकि नील है ना पूरा उपजाऊता है ना छीन लेती है, निचोड़ लेती है उससे, समझ आ रहा है? नील महंगा नहीं होता। क्या दिक्कत हुई थी कि उस समय ना जर्मनी ने, सुनो नील नहीं पता क्या है, नील उजाला डाई बोलते उसको, डाई उजाला सुना है? वो ऐड देखा है, एक लड़की आती है पहले कपड़े सही मैले पहने होते हैं तो नौकरी नहीं लगती, फिर वो सरपंच नील से भी पहन के आती है तो नौकरी लग जाती है, फिर बोलते ऑटो वाले मेरे पापा। क्या बचा रहे यार, कुछ साइंस है क्या? बोला तुम अपनी नींद बेचने के लिए किसी भी हद तक गिरोगे, उस प्रचार का कोई मतलब है? नौकरी मिल जाती है बताओ यार, नील लगाते मैं नील की बोतलें पी लूंगा अगर ऐसी बात है तो। हाँ तो क्या होता है, तीन कटिया सिस्टम चल रहा था। तीन कटिया सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो जो उत्तरांचल है ना, उत्तर वाली बेल्ट, यूपी बिहार ये वाला एरिया, तो यहाँ पे जमीन को मापने के लिए होता है कट्ठा, बीघा, सुना है? बीघा, बीघा, कट्ठा, कटिया, जमीन को नापने की इकाई होती है। जैसे तुम बोलते हो ना दिल्ली में गज चलता है, 20 गज, 25 गज, 50 गज, वैसे यूपी बिहार इस वाले साइड में चलता है कटिया, और क्या बोलते हैं उसे, बीघा, समझ आ रहा है? हरियाणा राजस्थान में किले, सुना है किले? दो किले हैं, चार किले, पांच किले, किले का मतलब किले नहीं होता, पहले मैं ये समझता था तुम्हारे किले ना, हरियाणा के कॉलेज में पढ़ते हैं ना मेरे बच्चे, तो बोलते हैं किले में यार तुम्हारे पास किले नहीं है, मतलब कि वैसे किले नहीं भाई, जमीन किले कहने बत्ती नहीं जाएगा, सीधा बोल रहा है जमीन का टुकड़ा है, किले है। ठीक सुनो, तो क्या होता है, तीन कटिया सिस्टम हो रखा होता है, मतलब अगर आपके पास 20 जमीन है तो उस 20 में से तीन जमीन पे आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो इसको मैं 100 बना लेता हूँ, कितना 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना है, 5 से 100 बन गया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना, अनुपात बराबर कर रहा हूँ, अनुपात कम है 3/15, मतलब अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर की जमीन है ना उसमें से 15 पे आपको नील उगानी पड़ेगी कंपलसरी, ये जबरदस्ती था, समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं तीन कटिया सिस्टम, 20 जमीन पे तीन नील उगानी उगानी पड़ेगी, समझ आ रहा है? और दिक्कत क्या हो गई थी, मतलब एकदम जो हरामी हरामी पने की हद पार कर रखी थी अंग्रेजों ने। एक तो क्या होता है, यूरोप में ना सिंथेटिक नील उग गई थी, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, सो जाओ उसके ऊपर, चोट लग गई उसका गर्दन दबा दो, चोट का मामला खत्म हो जाएगा। सुनो सुनो, तो अंग्रेजों ने क्या करा था पता है, यूरोप में पता है नील उग गई थी सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में बनी हुई नील बना ली थी उन्होंने, ठीक है? तो जो फैक्ट्री में चीज बनेगी वो तो सस्ती होगी ना, और रोज बना सकते हो, और नील जो जमीन पे उगती है उसे उगने में महीने लगते हैं, एक बार उगाने के बाद दोबारा उगा भी नहीं सकते, इतना समय लगता है। तो जो नील उगी थी ना कहाँ पे, जो बनाई जाती फैक्ट्री में, सस्ती भी थी और क्वालिटी भी अच्छी भी थी, तो सब लोग जो इंडिया से नील लेते थे उन्होंने कहाँ से लेनी चालू कर दी, यूरोप के बीच में से जर्मनी में वो बनाई गई थी, ठीक है, समझ आ रहा है? तो अंग्रेज अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से नील ना लेके कहाँ ले रहे, यूरोप बीच में से, समझ आ रहा है? इंडिया के बंदे जो जमीन पे उगा के बैठे थे उनसे कोई खरीद ही नहीं रहा है। अब जो खरीद नहीं रहा है इंडिया, पता है क्या अंग्रेज कितने गंदे हैं, कि बोल रहे तुमसे नील नहीं उगाएंगे लेकिन नील का पैसा दो। हाँ मतलब यार तुम उगा नहीं रहे हो तो हमारी गलती है क्या? नहीं, नहीं उगाओगे तो जितने की नील उगाए उतने का पैसा दो। ये क्या बदतमीज है, तुम नील ही ले लो सीधे, हम नील नहीं लेंगे तुमसे पैसा लेंगे, मतलब नील भी नहीं उगाने दे रहे, पैसा भी तुम लोगे और नहीं उगाएंगे तो मारोगे भी तुम, ये क्या चल रहा है यार, मेरा पति मेरा देवता है ये वाली कहानी चल रही है। हाँ बेचने भी नहीं दोगे, हम नील उगा के खुद से बेचेंगे तो तुम बेचने भी नहीं दोगे, बोला हर तरफ से इधर से खींच के हमारे चांटे पड़ रहे हैं, है ना, माइनस प्लस करके आंसर में जीरो ही आना है, ये वाला सिस्टम था अंग्रेजों, तो यार गुस्सा आएगा नहीं आएगा यार, तुम कितने बदतमीज हो, तुम बाहर से खरीद रहे हो तो हमारी गलती है क्या, हमें तो बक्स दो, नहीं तुम्हारी गलती है, वहाँ पे महंगी वहाँ पे मिल रही है नील, अब तुम क्या करोगे, तुम मेरे को पैसा दोगे जितने पे हम नील उगाते थे उसका, तो भाई नील तुम नहीं उगा रहे थे तो हमारी गलती थोड़ी, लेकिन तब भी अंग्रेज मांग रहे थे, और जितना पैसा मांग रहे थे ना वो ज़्यादा मांगने लग गए थे, ठीक है समझ आ रहा है? इस वजह से दिक्कत आ गई थी, और यही दिक्कतों को देख कर क्या करा है, राजकुमार शुक्ला ने गांधी भाई को फोन करा, एक लड़का है अपना गांधी गांधी नाम का बंदा है, जवानी है भी लौंडा, ठीक है, अफ्रीका में उसने फुल बैंड बनाई है अंग्रेजों की, देखो यहाँ भी कुछ कर सकता है, बुला लिया भाई गांधी जी को, गांधी जी तो वहाँ पे कोट पहन के रहते थे, गांधी जी आए लुंगी, बोले वो है इनकी तो फोटो आई थी ये तो कुछ और थे,
गांधी जी वहां लुंगी में घुसे, गांधी जी ने कोट वहीं त्याग दिया था अफ्रीका में, पता है तुम्हें। जैसे ही इंडिया उतरे थे ना गांधी जी, सिर्फ में उन्होंने कपड़े बदल लिए थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भारत के लोग है ना मुझे अपनी तरह समझे, तभी मेरे साथ जुड़ पाएंगे। अब मैं, मेरा पेट बड़ा भरा हुआ है, मेरे हाथ में सोने की अंगूठी, मैं गरीबों को भाषण दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। साला हरामी, कोट पहना है 10 लाख का और हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक। गरीब नहीं जुड़ेंगे ना, तो गांधी जी में दिमाग था, गरीबों के साथ जुड़ना है तो गरीब जैसा बनना पड़ेगा, समझ आ रहा है। गांधी जी इसीलिए एक धोती यहाँ बसता, छोटा सा कंगनी वाला गांधी है। उस टाइम मुट्ठे थोड़ी थे, तुमने तो फोटो देखी है, वो बुढ़ापे की है। गांधी भाई की फोटो देखना, ऐसे मूंछों में छोटी छोटी पतले से देखी नहीं गांधी जी को, यही कहीं थे यार। सुनो, तो क्या होता है, गांधी जी जाते हैं चंपारण में जाते हैं। चंपारण का जो SDM होता है गांधी जी को, DM या SDM जो भी होता है, गांधी जी को बोलता है, गांधी भाई आपके बारे में हमने सुना है, यहाँ से तुरंत निकल जाइए। गांधी जी बोलते हैं कि हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, अगर हम कर रहे हैं तो आप गिरफ्तार कर लें। बड़ा भक्ति के लिए तो बोले डायरेक्ट गिरफ्तार कर लें, अरे नहीं ऐसे। गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने सारे किसानों के पास गए, किसान बोलने लगे चलो फूंक देते हैं इधर उधर। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम फूंकोगे वो गोली मार देंगे, मेरे को ही मार देंगे। बोले ऐसे भक्ति भी नहीं। गांधी जी बोले सारे ना अपने डॉक्यूमेंट निकालो, मतलब जमीन का कागज निकालो, किसकी कितनी जमीन है और किससे कितना टैक्स लिया जा रहा है। गांधी जी ने देखा, अनुमान लगाया कि जितना तीन कटिया सिस्टम है उससे भी ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो मतलब तीन पे करवाना था नहीं वाला, लेकिन ये 7-7, 8-8 ले रहे हैं, मतलब ज्यादा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कानून से भी ज्यादा ले रहे हैं। अंग्रेजों ने जितना कानून बनाया भैया उतना ही लो ना, अगर तुम तब भी नहीं मान रहे, तुम तो ज्यादा ले रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। तो यही गांधी जी सबसे डॉक्यूमेंट बना के ले गए, इतनी मोटी मोटी गड्डियां फाइल ले जाके कोर्ट में रख दिया, देखो तुम्हारे ये जो तुम्हारे कर्मचारी वो तुम्हारे कानून तोड़ रहे हैं। अब अंग्रेजों का मुंह बंद हो गया, सबूत के साथ आए गांधी भाई, है ना, और भीड़ पूरी चिल्ला रही है बात, गांधी जी को कुछ करा तो भीड़ पहले मेरे हमें मारेगी, हमारे ये जो घुंघराले बाल है इनको पकड़ के लटका दिया था ऊपर से। अच्छा 8000 के लगभग थे, मेरे को गिनती याद नहीं है, तब भी 8000 मतलब हजारों में करे थे, क्योंकि गांधी जी को एक बात पता थी कि जब तक है ना बड़ी संख्या में आवाज़ नहीं होगी ना तब तक काम नहीं होगा। और भाई वो डर गया, जज ने क्या करा, जज ने जो टैक्स है ना, ये जो तीन कटिया सिस्टम चलता है, इसके खिलाफ इंक्वायरी कर दी कि इसको चेक कराया जाए, अगर ये सही नहीं है तो इसको हटा देंगे। और जज ने क्या करा, जितने भी टैक्स लिया था ना, मतलब तुमसे टैक्स लिया, तुमसे लिया, सबका 25% वापस मिलेगा किसानों। गांधी जी ने मांगा तो पूरा था, लेकिन मिला कितना, 25% नहीं मांगा, 50 था, सॉरी 50 मांगा था, पूरा मांगा था, जिन्हें मांगा वो मांगा, मिला 25 भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है यार, जहाँ भारत में किसानों को गोली मारी जाती है डायरेक्ट 25% मिल गया, कितनी बड़ी बात है। पहली बार अंग्रेजों ने कुछ दिया यार अपने पास से, किसान खुश, गांधी भाई कर रहे किसान, ऊंची मात्रा का घर से उपयोग कर रहा है, ठीक है। गांधी भाई मतलब प्यार से बोल लेते गांधी भाई, ठीक है, मतलब अंग्रेज भारतीय कंधे पर उछालने लग गए, गांधी ने बोला अरे लुंगी पहन के नीचे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो गांधी जी का पहला टास्क खत्म, अब गांधी जी का दूसरा टास्क। अब लोग सोच रहे, जो जिनको पता नहीं होता वो सोच रहे गांधी जी आते ही कितने इतने पावरफुल कैसे हुए, भैया उन्होंने अफ्रीका में पहले से प्रैक्टिस कर ली थी, पहले से जिम करके आए थे, बताया था ना मैंने, तब यहाँ पे ऐसे कर रहे ना प्रदर्शन। अब अगला क्या था, खेड़ा जो भी, ठीक है, खेड़ा में क्या हो गया था, नहीं अहमदाबाद था, सॉरी दूसरा अहमदाबाद था, ठीक है, अहमदाबाद में क्या रखा था, मिल के मजदूरों ने क्या कर रखी थी, स्ट्राइक कर रखी थी, मिल के उस समय क्या चल रहा था, प्लेग चल रहा था, प्लेग सुना है, आज से 100 साल पहले प्लेग आया था, खेड़ा में तो 18, इसमें 16 में, इसमें 17 में आए ना, उसमें 18 में आए, ठीक है, इसमें 17 में, इसमें 18 में, इसमें 19 में, ठीक, तुम इस बार 17 में कोई 18 में, चंपारण के बाद 18 में आए यार, 1918 आए, क्या इंडिया में तो है, एएमडी के लिए गए, अहमदाबाद, पुलिस पहले ही दिनों में लगती होगी, तो अपना बचाव करना चाहिए, ठीक है। तो अहमदाबाद में स्ट्राइक हो रही थी 1918 में, क्या हो रखा था कि
जो पहले प्लेग नाम की बीमारी आई थी तो उसमें क्या क्या रखा है, बीमारी थी जैसे कोरोना आई है, बोला जाता है हर 100 साल में कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, ठीक है, उससे 100 साल पहले चिकन पॉक्स आया था जो आज के टाइम पे कुछ जिसको माता बोलते हैं, तो है माता रोटी पिलाओ, पहले जब एक बार माता आई थी ना तो शुरुआत में किसी को पता नहीं था तो गाँव के गाँव को जला देते थे राजा लोग, क्योंकि जब माता फैलती थी ना सबको फैलती थी, वो फैलने वाली बीमारी तो पता है अलग रख देते, तो लोगों को इलाज नहीं पता था तो उन्हें लगता था कि हम सब मारे जाएंगे, तो जितने बंदे होते तो उनको ऐसे ही जला देते थे, मार देते थे, जला इसीलिए तो जला देते ताप के कारण है ना चीज़ें खत्म हो जाती हमें यार बैक्टीरिया मर जाते, इसीलिए पानी को उबाला जाता, तुम्हें ऐसा लगे कहीं तुम दिमाग लगाओ कि मैं भी जल जाती हूँ कोरोना मर जाएगा, ऐसा उनको आग लगा लो क्या तुम्हारे शरीर में भी तो कितने लाखों बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, ठीक है, जो कोरोना की वैक्सीन है वो तुम्हें क्या लग रहा था भाई, वो डेड सेल्स होते हैं कोरोना के जो डाले जाते हैं तुम्हारे शरीर में, जितनी भी वैक्सीन है ना धरती पे, तो वैक्सीन क्या होती है पता है, जो बीमारी होती है ना कोरोना की वैक्सीन क्या है पता है, कोरोना को ही लिया गया है, कोरोना को मार दिया गया है, कोरोना की जो डेड सेल्स है ना उसको सीरिंज में डालते हैं और तुम्हारे शरीर में लोड कर देते हैं, तुम्हें लगता है दवाई डाली है, दवाई नहीं डाली, उसको बोलता है टीका, भैया क्या बात है कहाँ घूम रहे, अच्छा आ जाएंगे क्या संविधान कानून के हिसाब से चलिए क्या, अच्छा सुनो कहीं गई नहीं थी तेरे को समझ नहीं आएगा, सुनो बैग देख के मैं भारी लेके आ रही हूँ, सुनो भाई अरे मेरी तरफ तो देख लो, तो जो डेड सेल्स होती है ना ये मरी कोशिकाएं वो हमारे शरीर में जाती है, हमारे शरीर में दो कोशिकाएं पहले से होती है RBC WBC सुना है, रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल, तो वो ना लड़ती है इनसे, जैसे अभी कोरोना के कोरोना वायरस क्या, तो जो हमारे अंदर सेल्स है ना जिंदा वो लड़ेंगी, और वो अगर कोरोना जिंदा चला गया उससे लड़ते लड़ते तो मरेंगी, इसीलिए तो आदमी कमजोर होता है मरता जाता है, देखते में बीमार होता जाता है डाउन होता जाता है, क्योंकि सेल्स हमारी मरती जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं मरी हुई सेल डाल देते हैं, मरी हुई सेल डालने से क्या होता है जो हमारे अंदर लड़ने वाली सेल होती है ना उसको पता लग जाता है इसका मैटर क्या है मरे हुए का, उससे लड़ना सीख जाते हैं पहले से, उसके बाद कोरोना आने दे जुकाम आने दे फलाना आने दे दिखाना आने दे कोई दिक्कत नहीं, हमारी सेल से अब लड़ना सीख जाती है ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कोरोना के टाइम पर भी तुम्हें दिक्कत हुई तुम्हारे बच्चों को कोरोना से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, खांसी जुकाम यूँ करके यूँ छिड़का करेंगे कोरोना, बड़ा कोरोना अरे मम्मी कोरोना आ गया चाय पत्ती उबाल के दे दो बेटा क्या हो कोरोना चल चाय पी लियो गरम गरम इतना इलाज होगा, आज के टाइम पे जुकाम है ना एक टाइम पे जुकाम से लाखों लोग मरे थे लाखों लोग सोचो, आज तो तुम वो लेते हो यूँ बोलते हो डॉक्टर मम्मी वाली नाक जाम है सांस नहीं आ रही, मतलब जब यार पहली बार में डर तो लगते मरते हैं लोग, सुनो देखो तो अहमदाबाद में इस टाइम में क्या होता प्लेग के कारण ना बोनस बढ़ाया हुआ था लोगों का, बोनस मतलब जो सैलरी थी ना उसके ऊपर बोनस भी बढ़ा हुआ था कि जो मजदूर है ना वो क्या हो जाए उनको है ना खर्चा करने में दिक्कत ना, लेकिन जैसे ही प्लेग कम हुआ ना और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी इसी समय चल रहा था 1918 की बात है, ठीक है सेकंड वर्ल्ड वॉर याद है नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सॉरी, तो इसी के कारण क्या हुआ अंग्रेजों ने क्या करा अपनी तरफ से और जो मिल के लोग थे ना उन्होंने जो मालिक थे उन्होंने क्या करा इनसे पैसे कम कर दिए, प्लेग का बोनस भी छीन लिया और इनकी सैलरी भी कम कर दी, तो अब सारे अनशन पे बैठ गए, उन्होंने बोला हमें बोनस भी चाहिए और सैलरी भी बढ़ी हुई चाहिए, ठीक है तो उन्होंने सारे लोग आंसर में बैठ गए, ठीक है तो जो मालिक लोग थे ना उन्होंने गांधी जी को फोन किया कि गांधी आएंगे तो सॉल्व कर देंगे मैटर, क्योंकि गांधी जी इस समय भारत में बहुत पॉपुलर हो गए थे, तो गांधी जी गए समझ आ रहा है, तो उन्होंने प्लेग बहुत पहले से आया था एक दिन नहीं आता प्लेग कई सालों से था प्लेग समझ आ रहा है, ठीक पूरे भारत में था भाई कोरोना के यही था दिल्ली में था, कैसी कैसी बात करते यार बुरा लग जाता है कभी, सुनो तो क्या हुआ कि जो प्लेग है ना प्लेग का बोनस चाहिए था वो 50% मांग रहे थे कौन आम जनता नहीं मिलके मजदूर, ठीक है जो भी फैक्ट्री में काम करते थे, तो गांधी जी गए गांधी जी ने बोला भाई ऐसे काम नहीं होगा पहले मेरे को है ना बैलेंस शीट दिखाओ, गांधी जी का स्टाइल देखो गांधी ने क्या करी मिल वालों से बैलेंस शीट निकाली, बैलेंस शीट जानते हो कितना कमाते हो कितना खर्च करते हो, गांधी जी ने सारा कैलकुलेट किया, गांधी जी को पता लगा ये साले ज़्यादा कमा रहे, गांधी ने बोला अब
डबल दोगे तुम, ठीक है। मैंने क्या बोला, डबल दोगे। उन्होंने बोला हम नहीं देंगे। मिल मालिकों ने क्या बोला कि हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, बंद करके अपने अपने गाँव चले गए, ठीक है, गोवा चले गए सारे, ठीक। तो बाद में गांधी ने पता क्या बोला, अब मैं आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। भूख हड़ताल का नाम सुनते हैं अंग्रेजों की क्या होगी, हवा टाइट होगी, कहते हैं मैटर हो जाएगा, मरमरा गया तो दंगी हो जाएगी, ठीक है यार। भूख हड़ताल, गांधी जी जब भी भूख हड़ताल पे बैठते थे तो ऐसे नहीं बैठते थे पीछे जाके बर्गर खा रहे, वो इसलिए बैठते थे कि मैं मरूंगा या तो काम करोगे तुम, या तो मैं मरूंगा या तो तुम बात मानोगे, समझ आ रहा है। तो गांधी जी एकदम है ना वो थे, करूंगा तो कभी, समझ आ रहा है, पीछे नहीं हटना। और तुम सुबह नाराजी हो मम्मी से रात में, मम्मी गुरु के लगे लिए तुम लगी क्रांतिकारी, ऐसे तो करते हो, मम्मी भूख लग रही है। हाँ नहीं मैं बोलता नहीं, मैं डायरेक्ट खा लेता हूँ, खाने से नाराज नहीं होता। तो हो गए कैसे, पता ही नहीं, पता है ना खुद से कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए मेरे को भूख लगती है। कभी घर में लड़े थे बाहर से खा के आ जाते, अलग नहीं खा रहा मुझे छोड़े, लेकिन रात तक भूख लगती है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, घर का पानी भी तो घर का ही है, बाद में डायलॉग मार देते पानी भी तो हमारा ही पी रहा है। हाँ पानी भी क्यों पी रहा है, मत दो तुम लोग। सुनो गांधी जी में देख लो एटीट्यूड बंदे का, और लौंडा ब्राउन मुंडा ही है पूरा, मतलब गांधी जी का एटीट्यूड कितना हाई लेवल का। गांधी जी को पता भी होता था, देखो या तो मैं मरूंगा या तो तुम मानोगे, सब बंदे समझ गया गांधी बंदा ऐसे नहीं मानता ना, ये ना लड़की ना तो इसको पैसा कुछ भी चाहिए, इसके पास कस्तूरबा पहले से ही है, ठीक है। इसके चार बच्चे हैं, गांधी जी के चार बच्चे थे और चारों लड़के, तो भैया इनको टाइम भी नहीं देते इनको। ये तुमने उस समय बोला था ना गांधी जी रोते, इस साल में देश आजाद करवाने में लगाऊ, और लड़कियां ये सोच रही है कि बीबी को टाइम दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। वाह रे चिंता, वाह चिंता वाह। नहीं मेरे को लगा कि किसी और चीज में टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, स्टडी में किसी और चीज, बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे। उस समय की बीवी अभी ऐसे नहीं थी, चार बच्चे उनके थे और टाइम नहीं चाहिए उनको, नहीं बच्चों को है। एक बार की बात है, कस्तूरबा अफ्रीका की बात है, जब पहला फिनिक्स पंप खोला था ना गांधी जी ने, तो वहाँ पे ना गांधी जी ने बोला था कि सब है ना बराबर है, सब बराबर मतलब क्या है, जितने लोग है ना सब फॉर्म में, सब बराबर खाना खाएंगे, सब एक साथ खाना खाएंगे, और सब है ना पैखाना मतलब टॉयलेट साफ करेंगे। तो जो गांधी जी की औरत थी ना वो बोलती थी मैं ना सबके टॉयलेट में ही जाऊंगी, मैं अपने टॉयलेट में जाऊंगी, मतलब मैं और मेरे टॉयलेट में कोई नहीं आना चाहिए, नाराज थी। गांधी जी ने बोला जो बोल दिया वही मानोगी, सबके बराबर हो तुम अलग नहीं हो, अगर मेरे ही घर की औरत ऐसा करेगी तो सारे लोग क्या मेरे को अपना नेता मानेंगे। गांधी जी से नाराज थी, दो दिन तीन दिन गांधी जी ने बात नहीं सुनी, बोल भूखी थी, मूवी में दिखाई थी गांधी जी की मूवी है, भूखी रहती गांधी जी पूछते ही नहीं जाओ मरो, हाँ रही हो भूखी, अंतिम में पता लग जाता है गांधी भाई को पता सख्त लौट रहा है, बात नहीं मानेगा। बाद में फिर साफ सफाई करती, खाती नहीं है साफ सफाई करती है, गांधी जी साफ करवाते हैं टॉयलेट, साफ करो ऐसा होना चाहिए मर्द, समझ आ रहा है, जो गलत है सो गलत है, चाहे अपनी बीवी चाहे पड़ोसी की, दोनों को समझाना, ठीक है। यार उनकी बीवी उनके साथ ही रहती थी, बंदा कभी तो खाना खाएगा, कभी सांस लेगा नहीं लेगा, तुम्हारे मन में तो बस जी है यार, मैं इंसान हूँ। सुनो कुछ नहीं, अपनी बात करनी तुम्हें, बीवी से मिले पति या ना मिले, देश से तो मिलना ना गांधी जी ने भूख हड़ताल छोड़ दी, और अगले ही समय दूसरा असाइनमेंट मिल गया कहां का, खेड़ा का, ये भी 1918 में हुआ, खेड़ा, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, खेड़ा सत्याग्रह में क्या हो रहा था, ये तीन मेन है, इसी पे सवाल पूछते हैं बड़े लेवल पे, पूछते तो इसी से पूछते हैं। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, खेड़ा में क्या हुआ था कि 1/4 है ना लगान लिया जाता था, आपकी जमीन अगर 400 बीघा है तो 100 बीघा वाला टैक्स तुम दोगे, मतलब अपनी जमीन से अगर तुम 4 रुपये कमा रहे तो 1 रुपये टैक्स दोगे, लेकिन कानून 1 रुपये का था, जो ऑफिसर आते थे वो 2-2 3-3 4-4 एक्स्ट्रा लेके जाते थे,
समझ आ रहा है। और क्या होता था कि ये कानून है ना किसी अच्छे तरीके से नहीं था, स्थायी नहीं था, मतलब एक तरीका नहीं था कुछ भी कि अगर किसी किसान के यहाँ मतलब बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, वो कैसे देगा भाई, कुछ सोचो। लेकिन अंग्रेज लेके ही मानते थे, बेचारे को पीटते मारते थे, उनसे कैसे ना कैसे करके लेते थे, समझ आ रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो गांधी जी को जब पता लगा ना, गांधी जी ने बोला जब उन बंदों के पास है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। और अंग्रेजों ने भी कानून बना रखा था, जब ऊपर वाले बंदे थे ना उन्होंने कानून में लिखा था कि अगर कंडीशन नहीं है देने की तो उनसे नहीं लिया जाएगा, अगली बार लिया जाएगा, समझ आ रहा है। लेकिन जो ऑफिसर होते थे वो जबरदस्ती लेते थे। तो गांधी जी ने बोला ये तुम्हारे ऑफिसर ही तुम्हारे को धोखा दे। फिर बाद में गांधी जी ने इसके चक्कर में भी आंदोलन किया, लेकिन बहुत बड़ा हो नहीं पाया, पहले ही अंग्रेज मान लिया बात। और इसके खिलाफ क्या करा अंग्रेजों ने, कमेटी बना दी, जांच हुई, फिर जो लोग थे उनको जो मतलब जिनकी फालतू जमीनें छीनी गई थी वो वापस करी गई और टैक्स कम करा गया, समझ आ रहा है। तो ऐसे तीन जीत हुई गांधी जी की। इसके बाद तो तुम जानते हो जलियांवाला बाग, फिर असहयोग आंदोलन, और गरीबों ने गांधी जी को नहीं बुलाया था, बुलाया था मिल के मालिकों ने कि गांधी जी इनको समझा देंगे, हम गांधी जी को समझा देंगे, समझ आ रहा है, हम गांधी जी को समझा देंगे, गांधी जी उनको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी उनके पाले में कूद गए, जनता के पाले में बुलाया इन्होंने था, उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। ये सोच कैसे आती है, जब मैंने पढ़ा था ना बुलाया इन्होंने गांधी जी उनके साथ, ठीक है, ईमानदार, ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भतेरे आंदोलन, ठीक है, वो आगे वाले चैप्टर कल से पढ़ेंगे, ठीक है। जब चैप्टर चालू करेंगे तो मैं बैकग्राउंड बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में, सावधान है, सतर्क है, चले।